और नहीं तो जोड़ो। क्यों सर, मैं आज छात्र संघ कार्यालय उद्घाटन है, आप वहाँ पे मुख्य अतिथि है, रात को किसी ने टेंट जलाने की सूचना मिली है, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, कायराना हरकत जिसने भी की है ये गलत है। इस तरह की अगर शुरुआत हो गई तो ये तो फिर लोग ये इसको अपना धंधा बना लेंगे। हर कोई विरोधी कोई रात को जाके किसी टेंट को जला देगा, ये तो फिर शुरुआत हो जाएगी। इसलिए पुलिस को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। और मेरी चीफ सेक्रेटरी IG अजमेर रेंज, SP कलेक्टर से बात हुई है और मैंने कहा भाई घटना के अंदर जो भी दोषी है, चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो, खाली आग लगाने वाले दोषी नहीं है, किन्होंने प्रेरणा दी आग लगाने के लिए, उन लोगों को भी पुलिस गिरफ्तार करे। नहीं तो बड़ा आंदोलन राजस्थान के अंदर झेलने के लिए पुलिस को तैयार रहना होगा। हनुमान बेनीवाल के कार्यक्रम में टेंट में आग लगी है, ये छोटी घटना नहीं है। अगर इससे सबक नहीं लिया तो गंभीर परिणाम राजस्थान की सरकार को भुगतने पड़ेंगे। जो भी इसके अंदर आरोपी है, अपराधी है, चाहे वो कितने भी बड़ी उनका कद हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो, चाहे किसी भी पार्टी के नेता हो, क्योंकि नेताओं के इशारे बिना हनुमान बेनीवाल के कार्यक्रम के टेंट के अंदर आग नहीं लग सकती। इसलिए सरकार को मैं चेतावनी देता हूँ कि जल्दी से जल्दी इस मामले में गिरफ्तारी करें, नहीं तो गंभीर परिणाम राजस्थान की सरकार को भुगतने पड़ेंगे। अगर आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए तो हम इस मामले में चुप नहीं बैठेंगे।